जी, ये राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो ज़मीनें खरीदी गई हैं इस विषय में है। आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सबने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए, घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे, इससे स्पष्ट है कि तीन चीजें हुई हैं। एक, दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा, कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें एक उदाहरण है जिससे ये बहुत स्पष्ट तरह से सामने आती है ये बात। एक जमीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी, उन्होंने 2021 में उस जमीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को, वो 8 करोड़ के लिए बेची वो जमीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उसी जमीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक, नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। ठीक है, तो जो दूसरी 12,000 स्क्वायर मीटर की जमीन है वो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं 19 मिनट बाद। सॉरी, इस सेल डीड में जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है, जिसके जरिए वो खरीद रहे हैं जमीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं, तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है? अच्छा, आपके कौन है? आरएसएस के सरसंघचालक और राम मंदिर के ट्रस्टी साहब। और दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर साहब। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है या कल कहा था कि जांच वो नियुक्त कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है? जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं, मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर ये जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। और ये तो एक ही मिसाल है, सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे, लेकिन वहां पे कितनी जमीन है, कितने हजारों का घोटाला किया गया है, नहीं मालूम। बात यह है कि राम, भगवान राम मर्यादा नैतिकता के प्रतीक थे,
सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं, तो एक बहुत गंभीर बात है। इसीलिए हम यहाँ हैं और मैं चाहती हूँ कि सुरजेवाला जी इस पे थोड़ा सा इलैबोरेट करें।